कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के इस डिवाइस की टॉप 14 प्लस हिडन फीचर्स के बारे में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको इस फोन के 40 प्लस टिप्स एंड ट्रिक हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। सो गाइज, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर अगर आपको अपने फोटोज़ वीडियोज़ को हाइड करने हैं गैलरी से तो किस तरीके से कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले गैलरी ओपन कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पर गैलरी ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी फ़ोटोज़ हों वो यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो जो भी फ़ोटो आपको हाइड करनी है इस तरीके से प्रेस करके रखना है। ओके, प्रेस करके रखना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। जितने भी फ़ोटो हों वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। ओके, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट मिल जाते हैं सबसे नीचे राइट कॉर्नर पे, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मूव टू स्क्वायर फोल्डर, इस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ से आपके स्क्वायर फोल्डर में मूव हो जाती है। बट यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्क्वायर फोल्डर का यहाँ पर पिन सेट करके रखा है, तो वो पिन यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। ओके, जैसे पिन फिल करेंगे यहाँ से ओके कर देंगे, तो यहाँ से ये फोटो गायब हो जाते हैं और वो स्क्वायर फोल्डर में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये तीन फोटो थे, सिर्फ एक बचा है। ओके, तो इस तरीके से फोटोज़ वीडियोज़ को यहाँ पर हाइड कर पाएंगे। बट यहाँ पर स्क्वायर फोल्डर आपका है कहाँ? ओके, ये है स्क्वायर फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी गैलरी में आ जाते हैं वो। ओके, तो यहाँ पर ओके, यह है गैलरी, ओपन करी तो यहाँ से ये फ़ोटो आ जाते हैं। तो यहाँ से आप इन फ़ोटोज़ को देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ से बैक चले जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर फ़ोटोज़ के बाद अपने किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना है होम स्क्रीन से तो कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर होम स्क्रीन पर प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है सबसे नीचे सेटिंग्स। ओके, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है हाइड ऐप्स ऑन होम एंड ऐप्स स्क्रीन, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं, जो भी आपको हाइड करना है वो इस तरीके से सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे डन कर देना है। डन करने के बाद सिंपली बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद यहाँ पर आपके होम स्क्रीन पे ये एप्लीकेशन नहीं दिखते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ओके, तो अब इन ऐप को कैसे यूज कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? तो यूज करने के लिए आपके दो तरीके रहते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ पर आप इस तरीके से आएंगे, ऊपर की ओर स्वाइप करेंगे, यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे। ओके, और सर्च बार में यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें क्रोम करना है। ओके, यहाँ पर क्रोम मुझे ओपन करना है। ओके, तो क्रोम यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड तरीका इसमें एप्लीकेशन ओपन करने का है, यहाँ पर होम स्क्रीन पर प्रेस करके रखना है आपको। ओके, सॉरी, फिर गोर साफ करते हैं, यहाँ पर होम स्क्रीन पर प्रेस करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है हाइड ऐप्स ऑन होम स्क्रीन। ओके, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन अनहाइड करेंगे, अनहाइड करने के बाद डन करेंगे, और डन करने के बाद यहाँ से आप उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे और दोबारा से वहीं से हाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ से इसे बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, तो कैसे कर पाएंगे? तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे जाएंगे नोटिफिकेशन बार में और इधर की ओर स्वाइप करेंगे, तो यहाँ पर आपको कहीं भी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपने डिवाइस में, तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना होगा। ओके, और यहाँ से प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। ओके, ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है AZ। ओके, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिल जाता है ये स्क्रीन रिकॉर्डर, इस तरीके का यहाँ पर आइकन रहता है, आइकन का यहाँ से ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ से आपको इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डर, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। ओके, तो यहाँ से इसे डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर लेना। ओके, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका ये ओपन हो जाता है, तो यहाँ से अभी सेटिंग्स पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यहाँ से ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये स्क्रीनशॉट आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया हमने तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आ चुका है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाए 3 सेकेंड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है,
बट यहाँ से अगर आप दूसरा पेज ओपन करेंगे तो यहाँ से प्रेस करेंगे और यहाँ से इसे बैक कर देंगे, दूसरा पेज ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो दोबारा से स्क्रीन रिकॉर्डिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से शेयर कर सकते हैं किसी को, यहाँ से एडिट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ओके, इसे कट करते हैं और यहाँ से अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ सेटिंग्स हैं तो इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे ब्रश लगाना है तो यहाँ से ब्रश लगा सकते हैं, मैजिक बटन लगाना है तो मैजिक बटन यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप अपने डिवाइस में यहाँ पर नेटवर्क स्पीड शो कराना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे फ़ोन में नेटवर्क स्पीड शो हो रहा है अभी 0 KB का, तो यहाँ पर अगर आप अपने डिवाइस में नेटवर्क स्पीड शो कराना चाहते हैं तो कैसे करवाएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कहीं भी इस फ़ोन में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है सेटिंग्स पे। ओके, सेटिंग्स पे जाते हैं, कहीं भी सर्च करते हैं नेटवर्क स्पीड, तो यहाँ पर आपको कहीं भी नेटवर्क स्पीड शो का ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे कि यहाँ पर हम अभी करके दिखाते हैं आपको। ओके, NET। सो आई होप यहाँ पर आप देख पाते होंगे, पहले से भी आपने कई बार सर्च किया होगा अपने फ़ोन में तो यहाँ पर नेटवर्क स्पीड शो का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। ओके, जैसे बैक जाते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है 42 KBS। ओके, इसे क्लिक करना है और यहाँ से इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ से आपको ये इंडिकेटर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर नेटवर्क स्पीड शो नहीं हो रही है और जैसे ही आप यहाँ से इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड शो होने लगती है, कितनी स्पीड आपके डिवाइस में आ रही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर डेली डाटा यूजेस, वो भी अगर आप शो कराना चाहते हैं डेटा, जैसे कि यहाँ पर यह है डेली डाटा यूजेस, तो यहाँ से इसे ऑन कर देंगे तो यहाँ पर डेली कितना यूज किया डाटा आपने वो भी यहाँ पर आपका शो होने लगता है। ओके, तो इसे भी आप यहाँ से शो करा पाएंगे। ओके, वाईफाई से कितना डाटा यूज किया आपने वो यहाँ से शो करा पाएंगे अपने इस डिवाइस में। ओके, तो यहाँ से इसे बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमारे फ़ोन में बैटरी परसेंटेज शो हो रहा है, तो इसे शो करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर जाना होगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है नीचे की ओर और यहाँ पर आपको जाना है थोड़ा सा नीचे। ओके, यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर। ओके, इसके बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है शो बैटरी परसेंटेज, यहाँ से आपको इसे ऑन कर देना है। जैसे आप अगर ऑफ करेंगे तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज शो नहीं होगा, जैसे आप यहाँ से इसे ऑन कर देंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन में बैटरी परसेंटेज शो होने लगता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस में यहाँ पर बैटरी परसेंटेज शो करा पाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर ये फ़ॉन्ट साइज, मेरे फ़ोन में काफ़ी बड़े हो रखे हैं, तो अगर आपको बड़े करने हैं छोटे करने हैं तो कैसे कर पाएंगे फ़ॉन्ट साइज़ को, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिल जाता है फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है तो ये डिफ़ॉल्ट रहते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, सिंपली यहाँ से बैक चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से ये फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी ठीक ठाक है, नॉर्मल है। ओके, तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट साइज़ को अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर आपको अपने डिवाइस में यहाँ पर रिंग टोन चेंज करनी है तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे जाना होगा और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको जाना है, यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिम वन की रिंग टोन चेंज करना चाहते हैं सिम टू की, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सिम वन की करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लेंगे और सिम टू की रिंग टोन चेंज करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर रिंग टोन आ जाती है और अगर आप कोई भी सॉन्ग लगाना चाहते हैं अपनी रिंगटोन पर, अपना कोई गाना लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी रिंगटोन आ जाती है, जो भी रिंगटोन लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना है सिंपली इस तरीके से और यहाँ से इसे डन कर देना है। ओके, तो यहाँ पर ये रिंगटोन सेट हो जाती है सिंपली, सिंपली यहाँ से बैक चले जाना है। ओके, अब बैक जाने के बाद यहाँ पर अगर आपको अपने डिवाइस में वन हैंड मोड इनेबल करना है, जैसे कि छोटी सी स्क्रीन में आपको फ़ोन करना है, ओके, तो यहाँ से किस तरीके से कर पाएंगे, जैसे यहाँ से स्वाइप करेंगे तो छोटी सी स्क्रीन में आपको फ़ोन आ जाता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स पे जाना होगा और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर आपको मिल जाता है जनरल मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा और नीचे आना है, सॉरी यहाँ से बैक जाना है, यहाँ पर आपको थोड़ा और नीचे जाना है, यहाँ पर एडवांस फीचर्स पे जाना है आपको और यहाँ पर लैब्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन इसे ऑन कर देंगे तो यहाँ से आप अपने फ़ोन में डबल स्क्रीन कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बैक करते हैं और बैक करने के बाद यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया और यहाँ से आपने नीचे से ऊपर की ओर
फिंगर को स्वाइप कर लिया तो यहाँ पर आपके डबल स्क्रीन आ जाते हैं। ओके, इस तरीके से आपके फ़ोन में डबल स्क्रीन, एक साथ दो स्क्रीन आप चला पाएंगे। जैसे यहाँ पर ऊपर सेटिंग्स ओपन है और यहाँ पर नीचे ओके दूसरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर ओपन है। ओके, और यहाँ पर वन हैंड मोड कैसे इनेबल करना है, छोटी सी स्क्रीन में आपको फ़ोन करना है तो यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर एक फिंगर से इस तरीके से स्वाइप करना है बीच वाले बटन पर और यहाँ से आपका वन हैंड मोड इनेबल हो जाता है, छोटी सी स्क्रीन में आपका फ़ोन आ जाता है। तो इसके करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो यहाँ से सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ से दोबारा से आपको एडवांस फीचर्स पे जाना है और यहाँ पर सबसे ऊपर लैब्स इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सॉरी लैब्स पे नहीं जाना है बल्कि यहाँ पर एडवांस फीचर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको वन हैंड मोड मिल जाता है, वन हैंडेड मोड, तो यहाँ से इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर ये बीच वाला बटन मिल जाता है, आपको ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप कर देना है सिंपली और यहाँ से आपका वन हैंड मोड इनेबल हो जाता है। इसे लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। ओके, और यहाँ से इसे अगर थोड़ा बड़ा करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, या ऊपर करना है नीचे करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, फुल स्क्रीन में करना है तो यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर देंगे फुल स्क्रीन में आ जाता है। ओके, और यहाँ पर आपको मिल जाता है नीचे स्क्रीन शॉट का ऑप्शन, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ये है स्क्रीन शॉट। अगर टूल अगर लाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई भी स्क्रीन शॉट लिया तो यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आ जाते हैं टूल वगैरह, वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। ओके, तो ये स्क्रीन शॉट का मैंने एक शॉर्टकट लगाया है इसमें, और यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो वॉल्यूम के नीचे वाले बटन, वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन, जो जिससे आप स्विच ऑफ करते हैं फ़ोन को, वो वाला बटन एक साथ से प्रेस करना है, तब आप यहाँ पर अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने वाले बटन से आप यहाँ पर अपने फ़ोन से स्क्रीन शॉट ले पाएंगे। ओके, सेव स्क्रीन शॉट कहाँ पर सेव होता है, तो यहाँ पर ये सेव करने का आपका ये है इंटरनल स्टोरेज में। ओके, अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ से बैक कर देते हैं अभी। ओके, उसके बाद यहाँ से नीचे और आ जाना है, यहाँ पर आपको मिल जाता है डुअल मैसेंजर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेंजर एप्लीकेशन आ जाते हैं आपके, इन्हें आप डबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये डबल एप्लीकेशन हमारा बन जाता है। ओके, तो जितने भी मैसेंजर एप्लीकेशन होते हैं वो यहाँ पर आप डबल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। ओके, तो यहाँ पर ये टर्निंग ऑन डुअल मैसेंजर, तो यहाँ पर पहला एप्लीकेशन जो बनाएंगे आप उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है 10 या 5 सेकंड का, उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से अभी हम बैक जाते हैं तो यहाँ पर आप डबल एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पर आते हैं। ओके, तो एक फेसबुक और दूसरी फेसबुक। ओके, तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस में यहाँ पर डबल एप्लीकेशन कर पाएंगे, अपने एक ही डिवाइस में दो दो एप्लीकेशन चला पाएंगे एक जैसे। ओके, नेक्स्ट यहाँ से बैक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे जाना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये जनरल मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ये लैंग्वेज, अगर आपको अपने डिवाइस में लैंग्वेज चेंज करनी है, भाषा बदलनी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाएंगे, यहाँ पर जो भी लैंग्वेज आपको ऐड करनी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैंने हिंदी की थी सिलेक्ट तो यहाँ पर ये हिंदी आ चुकी है। ओके, तो इस पर क्लिक करना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपकी लैंग्वेज हिंदी से इंग्लिश, वो सॉरी इंग्लिश से हिंदी हो चुकी है, और अगर इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे और लागू करें इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज यहाँ से ये सेट हो जाती है। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ से बैक चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है बैटरी एंड डिवाइस केयर, इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपकी पता चल जाती है आपकी बैटरी कितनी चार्ज है अभी और कितना स्टोरेज कहाँ पर कितनी खर्च हो रही है, ये भी यहाँ पर आपको पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से बैक चले जाते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर आपको अपने डिवाइस में यहाँ पर वॉलपेपर चेंज करना है, ये वॉलपेपर है, तो क्या करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर प्रेस करके रखना होगा, यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल मिल जाते हैं, इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपके प्री इंस्टॉल वॉलपेपर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर चेंज वॉलपेपर पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर आ जाते हैं। ओके, जैसे ये हैं फीचर्स, इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ से और भी बहुत सारे वॉलपेपर मिलेंगे आपको इस तरीके से। ओके, नीचे भी मिल जाते हैं बहुत सारे वॉलपेपर, तो इनमें से कोई वॉलपेपर लगाना, जैसे कि ये वॉलपेपर सेट करना है तो इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ से नेक्स्ट करना है, और आप इस वॉलपेपर को कहाँ पर सेट करना चाहते हैं, होम स्क्रीन पर, लॉक स्क्रीन पर या फिर दोनों पर, तो दोनों पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे डन कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारा वॉलपेपर सेट हो जाता है होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों पर। ओके, सिंपली बैक चले जाना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वॉलपेपर चेंज हो चुका है।
बट अगर आप चाहते हैं अपना फ़ोटो लगाना वॉलपेपर पर तो कैसे लगा पाएंगे? तो जैसे कि यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है गैलरी से, तो यहाँ पर गैलरी पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर रिसेंट पे जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी फ़ोटो लगाना है, जैसे कि हमें इस फ़ोटो को लगाना है भी। ओके, तो ये फ़ोटो हमने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेट एज वॉलपेपर इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दोनों पे लगाना चाहते हैं हम इस वॉलपेपर को, तो इस पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको इस ऊपर वाले ऑप्शन पर डन पे क्लिक कर देना है और डन क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली बैक चले जाना है। ओके, बैक जाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा वॉलपेपर सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस में यहाँ पर वॉलपेपर को चेंज कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं किसी भी एप्लीकेशन से तो कैसे बंद करनी है? जैसे क्रोम से अधिकतर लोगों के पास नोटिफिकेशन आती हैं तो वो बंद करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशंस मिल जाती है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप नोटिफिकेशन मिल जाती है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके ये मिल जाता है ऑल, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देना है। कभी कभी यहाँ पर रिसेंट होता है, मोस्ट रिसेंट या फिर मोस्ट फ्रिक्वेंट इस पर होता है। ओके, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं जो भी होते हैं। ओके, इनमें से जिस भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आती है, जैसे कि मैंने मेरे फ़ोन में ऑलरेडी क्रोम की नोटिफिकेशन ऑफ है, यहाँ से ये ऑफ ऑन होती है इस तरीके से और यहाँ से ये ऑफ हो गई। इसी तरीके से आपको यहाँ से ऑफ कर देनी जितनी भी एप्लीकेशन है, उसमें से जिस भी एप्लीकेशन से ज़्यादा नोटिफिकेशन आती है इस तरीके से ऑफ कर देनी है और सिंपली बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अब आपके पास इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर आपको डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाना है। ओके, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आई कंफर्ट मोड। ओके, तो इसे आपको यहाँ पर आई इजी मोड और यहाँ पर आई कंफर्ट मोड मिल जाता है। तो यहाँ पर यह है लाइट, डार्क मोड और आई कंफर्ट मोड। ओके, ये है, तो यहाँ से इसे ऑन कर देना है और यहाँ से ऑलवेज है तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से शेड्यूल कर देना है। इसे शेड्यूल सन सेट एंड सनराइज, इससे क्या होता है, और यहाँ से परमिशन को अलाउ कर देंगे और यहाँ से इस परमिशन को अलाउ करेंगे। ओके, सिंपली बैक चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, अगर आप नाइट के समय फ़ोन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आई कंफर्ट मोड इनेबल हो जाता है। इससे क्या होता है कि अगर आपकी आँखों की मतलब रोशनी, आपकी आँखों में दिक्कत होती है, इससे आँखों में दर्द, पानी आना, ये कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसकी रेडिएशन काफ़ी ख़तरनाक होती है फ़ोन की, तो वो रेडिएशन आपके फोन आँखों पर दिक्कत नहीं करेंगे। ओके, तो सनसेट टू सनराइज, ओके, रात के समय हमेशा ये ऑन हो जाती है। ओके, इस तरीके से आप अपने डिवाइस में से ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से बैक कर देते हैं अभी। उसके बाद अगर आपको अपने फ़ोन में फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज चेंज करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि साइज को मैंने ऑलरेडी बताया है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल कुछ इस तरह के यहाँ पर बोल्ड स्टाइल में आ जाते हैं। ओके, इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ से बैक चले जाना है। ओके, और यहाँ से आपको कुछ कॉल सेटिंग्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है डायलर पर, उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डिवाइस में, जैसे कि अगर आपके पास कोई भी कॉल आ रही है और आप क्विक रिस्पॉन्स देना चाहते हैं तो वहाँ से क्विक मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग्स, यहाँ रिकॉर्ड कॉल्स, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने डिवाइस में कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और इस फ़ोन में अगर आप चाहते हैं जैसे कि कोई भी कॉल आती है तो उस पर बैकग्राउंड में एक वीडियो प्ले हो जाए, तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर जाएंगे, उसके बाद कॉल बैकग्राउंड पर जाएंगे और यहाँ पर सिम वन पे या सिम टू पे, तो सिम टू पे कर लेते हैं और बैकग्राउंड पर जाते हैं। ओके, यहाँ पर कोई भी वीडियो आप प्ले कर सकते हैं इस तरीके से, ये वीडियो आती है और सेट एज कॉल इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से ये वीडियो सेट हो जाती है। और अगर आपको इसकी स्मार्ट कॉल सेटिंग की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको इस फ़ोन की स्मार्ट कॉल सेटिंग की वीडियो मिल जाएगी फुल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।